नमस्ते किसान साथियों, खेती बाड़ियों मंडी वालों में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे किसान साथियों का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सर, यूपीएल कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में आप वीडियो बनाई है, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें बताइए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताएंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन एक प्रोडक्ट आता है यूपीएल लिमिटेड कंपनी का। यह प्रोडक्ट जो उपयोग होता है बीज उपचार के अंदर इस्तेमाल इसका होता है। अब हम बात करते हैं कि इससे हमें किसका बीज उपचार करना चाहिए, इससे हमें सोयाबीन का बीज उपचार करना चाहिए। देखिए, इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी हम संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए आए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन कौन से टेक्निकल है और किस टेक्निकल का क्या उपयोग होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो प्रोडक्ट है इसके अंदर तीन टेक्निकल है। जी हाँ, तीन टेक्निकल, यानी कि इसके अंदर दो तो फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड है। तीनों का मिश्रण इस इलेक्ट्रॉन के अंदर पाया गया है। देखिए, दो जो फंगीसाइड है, पहला तो है एजिप्सिस्टोबिन, दूसरा जो फंगीसाइड है इसके अंदर थायरोक्विनाइन मिथाइल, और जो तीसरा जो टेक्निकल है वो है इंसेक्टिसाइड थाइमेथोक्सम। यानी कि तीन टेक्निकल से बना हुआ मिक्सचर है, यानी कि इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड दोनों का मिक्सचर एक पोर्टल के अंदर है। बहुत सारे किसान भाई परेशान होते हैं कि हमें एक बार फंगीसाइड से सी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर कुछ समय के बाद वापस से हमें इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करना पड़ता है। तो सबसे इसका अच्छा उपचार है इलेक्ट्रॉन। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि एक ही बार हम बीज उपचार करेंगे और इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड दोनों का बीज उपचार एक ही साथ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका बीज उपचार सोयाबीन में कैसे करें। तो हमें सबसे पहले एक बात बताते हैं कि जो एक बोतल आती है 100 ml, 200 ml, 400 ml और 1 लीटर, ये सारी पैकिंग के अंदर अवेलेबल होता है। और जो इसका डोज रहता है 4 ml प्रति kg के हिसाब से हमें बीज उपचार सोयाबीन के अंदर करना चाहिए। यानी कि 400 ml दवाई को एक क्विंटल सोयाबीन के अंदर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक पाल लीजिए, उसके ऊपर सोयाबीन को अच्छे से बिछा दीजिए। उसके बाद 400 ml दवाई को आप 500 ml पानी, यानी कि आधा लीटर पानी, 400 ml दवाई को 500 ml पानी के अंदर मिलाकर घोल को तैयार कर लें। यानी कि टोटल जो घोल का मिश्रण होगा वो होगा आपका 900 ml। उसके बाद पाल के ऊपर बिछाई हुई सोयाबीन के ऊपर समान मात्रा में दवाई का छिड़काव करें। उसके बाद आप अच्छे से दवाई को मिलाकर छायादार स्थान पर 1 से 2 घंटे तक आप इसको सुखा के रखें। जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, बीज उपचार हो जाता है, तो इसको आप बोरी के अंदर पैक करके रख सकते हैं। विशेषकर आप ध्यान रखें कि इसको कभी भी प्लास्टिक के बैग में पैक करके ना रखें। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि हमें इसे बीज उपचार करने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, आपको बताया कि यह इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड दोनों का मिक्सचर है। तो यानी कि जो फंगीसाइड होता है वो जमीन के अंदर जितनी भी फंगस होती है उससे आपकी क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और जमीन के अंदर जितनी भी फंगल आती है, जैसे कि आपका बीज जब उग जाता है उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद आपने देखा होगा कि सोयाबीन ऊपर जाने लग जाती है, डैम्पिंग रोग की शिकायत आती है, जड़ गलन की शिकायत आती है, उससे जो ये दोनों फंगीसाइड है आपकी सोयाबीन को सुरक्षा प्रदान करेंगे और आने वाली बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। और अब जो होता है इंसेक्टिसाइड, इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि जमीन के अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं, जैसे कि उद्दी होती है, दीमक होती है, उससे आपकी बीज को सुरक्षा प्रदान करता है और जर्मिनेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है, और जो रूट होती है 8 से 10 दिन की उसको भी डैमेज करने से बचाता है। इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड से जब आप बीज उपचार कर लेते हैं तो 15 से 25 दिन तक आपकी जो फसल होती है उसको आने वाले इंसेक्ट एवं आने वाली फंगस दोनों से भी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसलिए हमें आपसे निवेदन है कि इलेक्ट्रॉन से बीज उपचार करना चाहिए। अब हम बता दें कि आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। तो बीज उपचार करते समय आपको विशेष का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए और मुंह पर मास्क पहनना चाहिए। जब आपका बीज उपचार होता है तो आपको विशेष का छायादार स्थान पर इसको सुखा कर रखना चाहिए। अगर आपको धूप वाली जगह इसको रखेंगे तो होगा क्या कि नमी के कारण सोयाबीन के ऊपर तड़क चल जाती है, मतलब जो छिलका होता है उसके ऊपर तड़क चल जाती है, जिसके कारण आपका बीज खराब हो सकता है। इसलिए बीज उपचार के तुरंत पश्चात हमें छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। अगर आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसका उपयोग कैसे लगा, और अगर आप नए हैं तो कृपया आप इसका बीज उपचार जरूर कीजिए, और आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।